अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन नूडल्स बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन नूडल्स बनाने के लिए हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इसे मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च और नमक लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। सोया सॉस लेंगे हाफ टी स्पून। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लीजिए, विनेगर भी ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। उसके बाद नूडल्स तैयार कर लेंगे। आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे तैयार करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम तेल ऐड कर रहे हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब इसमें कटा हुआ जिंजर ऐड करेंगे। ये हमने फाइन कट किया है, इसे हमने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह से भून लेंगे, फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन में हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। चिकन का जो अपना पानी होगा ये उसी में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे कवर करके 10 मिनट के लिए हम मीडियम हीट पर कुक करेंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। आसान सी रेसिपी है और टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे कवर करते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं कि ये टेंडर हुआ कि नहीं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चेक करते हैं, ये एकदम से अच्छे से गल चुका है। अब इसमें वेजीज ऐड करेंगे। ये प्याज ले ली है, प्याज को हमने डाइस में कट किया है। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, सब्जियां भी आप जो आपकी चॉइस हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का इसे इस तरह से इसे मिला लेंगे। अब इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। ये सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही विनेगर ऐड करेंगे। चाइनीज़ सॉल्ट लिया है जिसे अजीनोमोटो भी कहा जाता है, ये हाफ टी स्पून है। इससे ये टेस्ट डेवलप करने में बहुत काम आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ये हमारी होममेड मोमो चटनी है जिसकी रेसिपी हम पहले दे चुके हैं, इसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च यूज़ करेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, फिर इसमें बॉइल्ड नूडल्स ऐड करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। बस इसे इस तरह से मिक्स करेंगे।
अब इसमें नूडल्स ऐड करते हैं। तो ये भी इसमें हमने मिला लिया है, इसे बहुत ही अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, थोड़ा सा इसे हमने चटपटा बनाया है तो हमने काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, आप कम भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही देखने में भी टेस्टी लग रही है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार नूडल्स बनकर तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।